देखिए क्लास टेंथ में सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2008 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में, इसकी सिचुएशन विजुलाइज करिए। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर, ठीक है। इसको 3D में जाके आप इमेजिन करिए, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा यहाँ पर क्या एक पिलर है और ये पिलर पे एक पीकॉक ऐसा बैठा हुआ है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, ठीक है। ये सपोज पीकॉक है, ये ऐसा बैठा हुआ है इस पे पिलर पे, ओके। अब पिलर कितना ऊंचा है? 9 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, मतलब पहले तो पिलर के कहां होगे? बॉटम पे, और फिर 27 मीटर कहां चलोगे? दूर, ठीक है ना। यहां पिलर के बॉटम पे आइए, आगे नीचे, और 27 मीटर कहां जाओगे? दूर। तो 27 मीटर दूर चले जाइए इससे, चले गए। ये देखिए, ये जहां पे स्टेपलर रखा हुआ है यहां की बात करी जा रही है, ये 20 सेंटीमीटर अवे, ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, बॉटम ऑफ द पिलर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होता है? अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। पिलर के बॉटम से 20 सेंटीमीटर की दूरी से एक सांप आ रहा है ऐसे, और क्यों आ रहा होगा? क्योंकि सांप को होल में जाना है, और होल कहाँ है? पिलर के बॉटम पे। लेकिन यहाँ पे शिकारी बैठा हुआ है, मोर उस पे पंच कर सकता है, उस पे झपट्टा मार सकता है, पता होगा आपको मोर जो है पकड़ लेता है सांप को, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, मार्कर तो मेरे हाथ में ही, ये जो होल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये है कहां पर? एट द बेस। तो अब सांप को यहां जाना ही जाना है ऐसा। सुनिए आगे क्या बोलता है, सीन द स्नेक, आपको पता है ऊपर से ऐसे देखेगा, यहां पे पिकॉक बैठा हुआ, किसको देख लेगा? स्नेक को, तो तैयारी कर लेगा अपनी, ठीक है ना। अच्छा, तो वही बोलता है, सीन द स्नेक द पिकॉक पंचेस ऑन इट, ठीक है। पिकॉक कैसे झपट्टा मारेगा इस पे? देखिए स्नेक स्नेक ऐसे आ रहा होगा और ये ऐसे आ रहा होगा। पिकॉक की कोशिश क्या रहेगी, इसको होल में जाने से पहले पकड़ लिया जाए, तो यहां कहीं पकड़ लेगा, यहां कहीं पकड़ लेगा, होल से पहले उसे पकड़ लेगा। ए यहां पे सपोज को पकड़ लिया गया, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आप ऑब्जर्वर हो, आप ये घटना देखते हैं, तो एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कॉमन है, यस और नो? टाइम कॉमन है, किसका टाइम कॉमन है ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं दिया होगा। टाइम कॉमन है, किसका टाइम कॉमन है? देखिए मान लो कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, इसके 1 2 3 स्टार्ट, टाइम आपने देखना शुरू किया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ये यहां है, तो ये 3 सेकंड किसके किसके लिए गुजरे होंगे? पिकॉक के लिए भी और आप समझ में आती बात, जैसे ही 1 2 3 स्टार्ट, ये भी चलना शुरू करता है उसी इंस्टेंट पे, ये भी चल, और ये अगर इसको पकड़ लेता है तो वो टाइम कॉमन होगा किसके लिए? स्नेक के लिए भी और पिकॉक, ये यहाँ पे कैच है, ये आपको समझ में आ गया, टाइम इज कॉमन फॉर बोथ पिकॉक एज वेल एज स्नेक, यही आपको ध्यान देना, बस बाकी तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे भी पढ़ते हैं, कह रहा है कि इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, ओके, देखिए इनकी स्पीड्स भी इक्वल है, ये भी हमसे बोला जाता है, करेक्ट, ओके। सुनिए एक बात आप खुद ही सोचिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान से सुनिएगा जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कराओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आप खुद ही सोचिए, एक तो मुझे पता चल गया दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम है, कॉमन है, और स्पीड उन्होंने बोल दिया दोनों के लिए कॉमन है, बात समझ में आई? और अगर हम सीधे शब्दों में बोले, सेम स्पीड से दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम के लिए अगर चलते हैं तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले से आप देख लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेक इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्नेक, लेट अस से कि स्पीड ऑफ स्नेक एज वेल एज स्पीड ऑफ पिकॉक इज वी, दोनों की समझ लो ना, स्पीड ऑफ
पिकॉक इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्नेक के क्वेश्चन में बोला है, तो आप अज्यूम कर लीजिए लेट अस से वो क्या है v मीटर पर सेकेंड, ओके ओके, और लेट द टाइम बी t, लेट द टाइम बी स्मॉल t, ओके लेट द टाइम बी स्मॉल t. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्नेक इज गिवन बाय, बोलिए, स्पीड ऑफ स्नेक इनटू टाइम टेकन बाय स्नेक. इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिकॉक इज आल्सो स्पीड ऑफ द पिकॉक इनटू टाइम टेकन बाय पिकॉक. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. फ्रॉम वन एंड टू आर्चेस दोनों के सेम है, सो वी कैन से दैट कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय snake is equals to distance traveled by peacock. ओके, यहां पे हेडिंग भी डाल सकते हैं हम, इन टाइम इंटरवेल, इन टाइम इंटरवेल टी, है ना, टी टाइम में दोनों के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी. सुनिए, अब यहां पे एक डायग्राम भी बना लीजिए, ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, ये पॉइंट है आपका कोई, लेट अस से Q या H, H पे क्या है, होल है, इस पॉइंट पे होल है, ये पिलर है, हाँ हाँ, पिकॉक बैठा हुआ है, ये 9 मीटर है, ओके, और ये देखिए ये होल से मतलब बेस से कितनी 27 मीटर की डिस्टेंस पे कौन है, स्नेक. ये देखिए ये स्नेक ऐसा भी चलेगा, ठीक है ना, ये एस पॉइंट पे स्नेक है. अभी देखिए ध्यान से, इधर मैं चलाना शुरू करता हूं, ओके, ये देखिए इधर देखिएगा, 1 2 3, इधर देखिए, इधर 1 2 3 स्टार्ट, पकड़ लिया, देखा आपने, ये चीज आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो, दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम. ये देखिए ब्लू कलर से इधर पिकॉक आ रहा है, ये 1 2 3 स्टार्ट, कैच कर लिया, कौन से पॉइंट पे कैच करता है, लेट अस से, तो यहां आप ध्यान लगा सकते हैं पिकॉक कितना चलता है, पी से लेके टी तक, स्नेक कितना चलता है, एस से लेके टी तक, और दोनों ही आपस में क्या होंगे, सेम. ये आपको कैच समझ में आता है, ठीक है ना, तो लगा लेते हैं स्कोर, बन जाएगा ये, ठीक है ना. देखिए माना कि पिकॉक कितना चलता है, एस टी को आप कुछ अज्यूम कर सकते हो कि नहीं, लेट अस से कितना चलता है वो, x, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ओके, हेडिंग तो आपने डाली ही हुई है यहां पर कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्नेक इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिकॉक इन टाइम t, तो डिस्टेंस स्नेक कितना चलता है अकॉर्डिंग टू द फिगर, st, और पिकॉक कितना चलता है, pt, और वेरिएबल आपने एक अज्यूम कर लिया वहां पर, क्या जूम कर लिया है, एस टी को एक्स, तो पी टी भी क्या हो जाएगा, एक्स, कोई बात नहीं. अब देखिए यहां एस से लेके एच तक कितना था टोटल, 27, उसमें से एक्स माइनस कर दीजिए, 27 माइनस एक्स, ओके, तो टी से लेके एच तक कितना आ गया, 27 माइनस एक्स. अब आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, पी एच टी, है ना, तो इन ट्राइंगल PH, T, ओके, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है 90 के सामने, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 9 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ओके, सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर 81 प्लस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 729 प्लस x स्क्वायर, ओके, 27 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 729 a स्क्वायर माइनस 54x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है. अब ओके, ठीक है, तो ये x में लीनियर आ गया है क्या, यस सर, हाँ, ये तो x में लीनियर बन गया, दिखने को ये क्वाड्रेटिक था, देखिए x स्क्वायर कैंसिल,
ये दिखने को लीनियर था लेकिन आता नहीं है. ओके इधर 54 को इधर लेके आओगे आप तो पॉजिटिव हो जाएगा 54x is equals to 9 plus 1 10 1 3 no sorry 9 plus 1 10 1 कितना हो जाएगा ये 9 plus 2 11 810. ओके x को निकालो 810 over 54. ठीक है इसको कैंसिल कर लीजिए जो भी आएगा कितना आ रहा है ये 15 टाइम्स जाएगा. देखिए आ रहा है यस सर. हां x का वैल्यू कितना आ रहा है 15 मीटर. ओके अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला जाता है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट. ओके तो स्नेक को कहां पकड़ा गया बताइए. सुनिए स्नेक को कहां पकड़ा गया ये आप सुन लीजिए ध्यान से. ये आप कहां से मेजर करेंगे बेस से बताएंगे ना. yes, क्योंकि जब हालांकि स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं था पर हमें लिखना चाहिए था कि लेट अस अज्यूम दैट द स्नेक इज कॉट ऑन टी एट पॉइंट टी व्हिच इज 27 माइनस एक्स फ्रॉम द बेस ऑफ द पिलर या व्हिच इज 27 माइनस एक्स फ्रॉम द होल. करेक्ट तो यहां पकड़ा जाएगा क्योंकि इसके होल से ही तो चलना शुरू करोगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर यहां पकड़ा गया. आने को तो ये आ गया है x का वैल्यू है ये लेकिन हमें क्या चाहिए 27 माइनस x. ओके x 15 है तो th कितना हो जाएगा 27 माइनस x मतलब 27 माइनस x x कितना है 15 ये कितना हो जाएगा 12 मीटर. तो स्नेक कहां पे कॉट होता है कहां पे पकड़ा जाता है 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पिलर. ओके या फ्रॉम द 12 मीटर फ्रॉम द होल. ओके